नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक्स में दीपिका और प्रवीण की मिक्स टीम की जीत का जश्न मना रहे भारतीयों को थोड़ी ही देर में बड़ा वाला झटका लग गया। भारतीय टीम अपने अगले मैच में कोरिया से हार टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गई। कोरियाई टीम ने भारतीय टीम को मिक्स टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल्स में 6-2 से हराया। बाद में कोरिया ने इस इवेंट का गोल्ड मेडल भी जीता। बात अगर क्वार्टर फाइनल की करें तो अनसान और किम जे डियोक वाली कोरियाई टीम ने दीपिका और प्रवीण की जोड़ी आसानी से हरा दी। शुरुआती दो सेट हारने के बाद तीसरे सेट में भारतीय टीम ने वापसी, लेकिन वर्ल्ड नंबर वन टीम के सामने वे टिक नहीं पाए। मैच के पहले दो सेट कोरियाई टीम 35-32 और 38-47 से अपने नाम कर मैच की बढ़त 4-0 की बढ़त हासिल की, लेकिन उसके बाद तीसरे सेट में भारतीय टीम ने वापसी की। दीपिका और प्रवीण 37-35 से मैच अपने नाम कर 4-2 पर ले आए। हालांकि इसके बाद फाइनल सेट में दोनों ही भारतीय खिलाड़ी चूक गए, महज 33 अंक ही जुटा पाए। कोरियाई टीम ने इस फाइनल सेट पे 36-33 से जीत मैच अपने नाम कर ली। इसके बाद दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी ने चाइनीज ताइपे की टीम को हरा करके क्वार्टर फाइनल में एंट्री ली और दोनों खिलाड़ियों ने चाइनीज ताइपे की लिन चिया एन और तांग चिन चुन की जोड़ी को पहले एलिमिनेशन राउंड में 5-3 से मात दे करके ओलंपिक से बाहर किया था। यूमे नोशिमा पार्क में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम और प्रवीण जाधव की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी, लेकिन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर पे दीपिका की शुरुआत बहुत ही रिदम में थी। पहला सेट हारने के बाद 2-0 से पिछड़ने के बाद भी दीपिका ने भारतीय टीम को मैच में बनाए रखा और साथ ही अहम मौकों पर प्रवीण ने अपना एक नंबर खेल दिखाया, जिसके चलते भारतीय टीम वह मैच जीत क्वार्टर फाइनल में एंटर कर गई थी। भारतीय टीम को हराने वाली कोरियन टीम ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए मिक्स टीम इवेंट्स को गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। कोरियन टीम ने फाइनल में नीदरलैंड्स की टीम को 5-3 से हराया और इवेंट के तीसरे स्थान पे मेक्सिको को टीम जीतती रही। हम आपको बता दें कि पहले ही दीपिका मिक्स टीम इवेंट से बाहर हो गई, लेकिन सिंगल्स में उनकी चुनौती अभी बरकरार है। या राउंड ऑफ 64 में उन्हें भूटान की कर्मा से भिड़ना होगा, वहीं प्रवीण जाधव की भिड़ंत रूस के गलसन से होगी। इसके अलावा तरुण दीप रॉय को यूक्रेन के ओलेक्सी हनबिन, अतानु दास को चाइनीज ताइपी के भिड़ना है और ये मुकाबले 27 जुलाई को होंगे। तो ये थी ओलंपिक्स खेलों से जुड़ी हुई खबर। दोस्तों, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर के ज़रूर बताएं। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।